आज के एपिसोड की शुरुआत में अरमान वीर से कहता है कि उसने उसकी शक्तियों को समाप्त करने के लिए उसे स्वयं तुलसी दिया है। वीर यह सुनकर अरमान पर टूट पड़ता है, जबकि मेयर और माया के कदम उनके पास आने लगते हैं। कदमों की आवाज सुनते ही अरमान और वीर दोनों लड़ना बंद कर देते हैं और अरमान वीर को अपनी पीठ पर बिठा लेता है और दिखाई न देने के लिए जंगल से भाग जाता है। बाद में ओबेरॉय हवेली में अरमान गुस्से में वीर को कोठरी में बंद कर देता है, जबकि वह चिल्लाता रहता है। वीर ने यह कहते हुए अरमान का मजाक भी उड़ाया कि अगर वह ईशा से इतना ही प्यार करता है तो उसे अपने वेयरवॉल्फ व्यक्तित्व को ईशा के सामने प्रकट करना चाहिए। अगली सुबह अरमान और ईशा जल उत्सव में एक दूसरे के साथ खुशी से नाचना शुरू करते हैं, जहां अरमान ईशा को पानी फेंकने से बचाने के लिए अपनी बाहों को उसके चारों ओर रखता है। इस बीच वीर अपने सेल में शिकायत करता है कि वह किसी भी कीमत पर अरमान और ईशा को अलग कर देगा, जिसे अरमान अपने अति संवेदनशील कानों के कारण सुन लेता है।